हेलो, मैं राहुल आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप यह क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहे हैं, अरे क्या हुआ, कुछ ऐसा ही फोन आपको भी आया होगा और आपने मान ली होगी उसकी बात। तो भैया, हो गए हैं आप ठगी के शिकार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा इस बात को समझिएगा। वीडियो की शुरुआत के साथ दिखने वाले इस वीडियो में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और इस आरोपी ने लाइव डोज देते हुए बताया है कि वह कैसे मासूम लोगों को अपनी जालसाजी के शिकार में फंसाता था। यह 41 सेकंड का वीडियो सिर्फ उस अपराधी के क्राइम की बात नहीं कर रहा है, बल्कि आपको कैसे सतर्क रखा जाए इसको भी बता रहा है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आ रही है तो सावधान हो जाइए। पहले आप इस पूरी वीडियो को देखिए और उसके बाद यह मामला कहाँ का है और कैसे इन गिरोहों को पकड़ा गया है वो आपको बताते हैं। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर, अमन बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिसका आपको वेलकम रिवॉर्ड कोड प्रोवाइड किया गया था, उनका आपने अभी तक रिडीम नहीं किया। सर, कब तक रिडीम कर पाएंगे आपने, आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर, आप हमारे पोर्टल पर जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर, पोर्टल लीजिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर, जैसे आप होटल विजिट करेंगे आपको सेकंड ऑप्शन जो करेगा रिवॉर्ड रिडीम चल, उसके लिए देखिए सर, वहाँ से अप्लाई में क्लिक करके अपने को वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम कर। आईसीआईसीआई के धन्यवाद आपका। बता दें कि गाजियाबाद में एक लंबे समय से इसी ठगी का काम चल रहा था, जहां लोगों को बेवकूफ बनाकर यह अपराधी ठगी करते थे। तभी जब गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले को लेकर के शिकायतें मिली, जिसके बाद से इंदिरापुरम पुलिस ने एक मिनी ट्रेवलर बस में छिप करके साइबर ठगी का जाल बिछाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा है। यह गिरोह टेलीकॉलिंग के माध्यम से मासूम क्रेडिट कार्ड धारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का झांसा देकर फंसाता था और उनकी गोपनीय जानकारी चुरा करके फर्जी पोर्टल पर उसका दुरुपयोग करता था। इंदिरापुरम पुलिस टीम ने रात्रि गश्त के दौरान एक मिनी बस में संदेह के आधार पर तलाशी ली है। इस तलाशी के दौरान 3 अभियुक्त सुशांत कुमार, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी को गिरफ्तार भी किया गया है। यह तीनों अपराधी मिनी बस में बैठ करके क्रेडिट कार्ड धारकों से धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे में 13 कीपैड मोबाइल, 7 एंड्रॉइड फोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने खुलासा किया है कि ट्रैवलर मिनी बस में बैठ करके वो विभिन्न क्षेत्रों में घूमते थे और टेलीकॉलिंग के जरिए क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने जाल में फंसाते थे। इन शातिर ठगों ने फर्जी वेबसाइट और पोर्टल्स तैयार कर रखी थी, जिन पर वे लोगों को रिवॉर्ड्स पॉइंट रिडीम करने का लालच देकर अपनी जानकारी भरने के लिए बाध्य करते थे। इस तरह से ये लोग क्रेडिट कार्ड धारकों की संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेते थे और ठगी के मकसद से उसका इस्तेमाल करते थे। इस गिरोह का जाल और भी फैला हुआ है। एक महिला इन अपराधियों को डाटा उपलब्ध कराती थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होते थे। इनके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं जो इस गिरोह का हिस्सा हैं और जो दिल्ली और गाजियाबाद के विभिन्न हिस्सों में आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह आपको भी बनाया जाता है बेवकूफ और आपकी मेहनत को टारगेट करते हुए कुछ गिरोह के लोग ऐसे बना लेते हैं शिकार। यानी कि इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो आप अपनी जानकारी किसी को देने से पहले फिर वो किसी एक मोबाइल नंबर से की डिटेल से रिलेटेड हो, या फिर आपके आधार कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर आपके बैंक अकाउंट की कोई भी जानकारी हो, यदि आपके पास ऐसा कोई फोन आता है तो सबसे पहले उस फोन की जांच पड़ताल करें, उस नंबर की जांच पड़ताल करें और ऐसे चंद मुनाफे या रिव्यू के लिए ऐसे जालसाजी का शिकार ना हो। और ये 41 सेकंड का जो वीडियो है वो साफ तौर पर आपको यही बता रहा है। एक तरफ आरोपी ये बता रहा है कि वो किस तरीके से अपने गिरोह में लोगों को घेरता था, तो दूसरी तरफ आरोपी ये भी बता रहा है कि आप किस तरीके से हम जैसे लोगों से सावधान रहें। तो तय आपको करना है।